हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब तक कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती है, शेयर मार्केट के साथ चलेगा, मार्केट में तेज़ी रहेगी, थोड़ा ऊपर जाएगा, मार्केट में मंदी रहेगी, थोड़ा नीचे जाएगा और साइडवेज ही जाएगा, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर नहीं आता है। और स्ट्रॉन्ग ट्रिगर हमें एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कभी भी देख सुनने को मिल जाए और उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट भी आ सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप में, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। आज भी करीब करीब 1% प्लस में क्लोज हुआ, 16.85 रुपीज़ पर क्लोज हुआ। हालांकि वॉल्यूम में अभी भी ड्राइनेस देखने को मिल रहा है। एनएससी और बीएससी मिलाकर करीब करीब 1.06 करोड़ शेयर ट्रेड हुए और डिलीवरी परसेंटेज भी करीब करीब 48% के आसपास रहा, तो अभी भी लोगों को डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि देखा जाए तो क्वार्टर टू के नंबर्स ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के डिक्लेयर हो रहे हैं या डेट्स तो आ गई है। ब्राइटकॉम ग्रुप ऐसा एक शेयर है, एकदम रेयर केस में जो होता है कि अभी तक इसकी डेट नहीं आई है, बट हमने पास्ट में देखा हुआ है कि जनरली सैटरडे संडे को ब्राइटकॉम ग्रुप का जो मैनेजमेंट है कोई ना कोई नोटिफिकेशन डिक्लेयर करता है। और अभी काफ़ी हाई टाइम हो चुका है, काफ़ी लेट हो चुका है, तो आशा करते हैं कि सैटरडे या संडे को कोई नोटिफिकेशन आ जाए कंपनी की ओर से, जिसके कारण अगले हफ्ते में तेज़ी देखने को मिले या क्वार्टर टू के नंबर्स। और एक ट्रिगर जो इम्पॉर्टेंट है वो है अक्टूबर की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितनी बढ़ी, कितनी घटी, कितनी इंक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई, इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक डायरेक्शन मिलेगा इन्वेस्टर लोगों को कि म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है। हालांकि मार्केट में आज भी अच्छी तेज़ी थी और यूएस मार्केट भी अच्छा तेज था, तो एक्सपेक्टेड था कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर आज अच्छी तेज़ी दिखाएगा, बट अभी भी साइडवेज ही जा रहा है, तो हो सकता है जल्दी हमें सर्किट लिमिट भी 20% देखने को मिले। बट ऐसा भी हो सकता है कि सेबी नहीं चाहेगी कि सर्किट लिमिट 20% हो और इसका सर्किट लिमिट 5% ही रहे। ये टोटली डिपेंड करता है कि जो रेगुलेटर्स है वो क्या डिसीजन लेते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, बट अभी काफ़ी सवालों के जवाब अभी भी पेंडिंग है। और क्वार्टर टू के नंबर्स भी कम से कम, मतलब डेट भी आ जाती तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैनेजमेंट अभी भी काम कर रही है और तैयार है और कॉन्फिडेंट है अपने काम के बारे में। बट जितना डिले क्वार्टर टू के रिजल्ट को करेगी कंपनी, उतना ही कन्फ्यूजन बढ़ेगा मार्केट में कि क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। बट ओवरऑल जैसे हम लोगों को पता है, मैक्सिमम रेवेन्यू कंपनी का ओवरसीज सब्सिडरीज से आता है, जिसके कारण नंबर्स तो अच्छा आने की उम्मीद है। कंपनी का आउटलुक जो कंपनी ने डिक्लेयर किया था वो भी काफ़ी पॉजिटिव था, काफ़ी होपफुल था, और हर बार जो कंपनी डिक्लेयर करती है नंबर्स, जो आउटलुक देती है, करीब करीब वैसे ही नंबर्स आते हैं, तो इसीलिए उसके बारे में तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है या जो विजय कंचालिया जी है, उन्होंने कोई पॉजिटिव डिक्लेयर का जो स्टेप उठाकर डिक्लेयर करना चाहिए, तो फिर से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अभी सिर्फ कोई न्यूज़ पे डिपेंड करता है कि रियल तेज़ी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट में आज तेज़ी थी, तो ब्राइटकॉम ग्रुप में भी तेज़ी हो सकती थी, ऑपरेटर लोग इसको उठा सकते थे, बट वो भी शायद कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कंपनी की ओर से क्या न्यूज़ आती है, उसका वेट कर रहे होंगे। क्योंकि जब कोई न्यूज़ आने के बाद जब शेयर भागता है तो ज़्यादा स्ट्रांगली 2-3 दिन भागता है, बिना न्यूज़ के भागे तो बहुत से लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण शेयर फिर से नीचे आ जाता है। बट लेट्स होप कि सम गुड न्यूज़ कम्स एंड शेयर फिर से भागे और फिर से हमें तेज़ी देखने को मिले। और ये भी पॉसिबल है कि ऑपरेटर लोग नहीं चाहते हैं कि इसमें अपर सर्किट बार बार लगे, जिसके कारण इसका सर्किट लिमिट चेंज ना हो, तो काफ़ी कन्फ्यूजन का माहौल है। बट लेट्स होप एंड स्टे पॉजिटिव कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड सम पॉजिटिव न्यूज़ विल कम इन कमिंग 2 डेज, सैटरडे संडे में, जिसके कारण फिर से मंडे से हमें तेज़ी देखने को मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।